हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कैसे हमने कोई भी यूज़र है जो भी हमारी शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर परचेज करना चाहता है उसको लॉगिन कैसे करवाना है, उसके बाद में अगर वो कोई भी आइटम जो है अपने कार्ट के अंदर ऐड कर लेता है और बिना चेकआउट के साइन आउट कर लेता है, तो नेक्स्ट टाइम जो है जब भी वो अपनी इसी वेबसाइट के ऊपर अपने अकाउंट के थ्रू लॉगिन करेगा तो उसके जो कार्ट में प्रीवियसली एडेड जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके की एग्जांपल जो है काफ़ी यूज़ होती है ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर। जब भी आप कोई परचेज़ करने की कोशिश करते हैं मगर वो प्रॉपरली आप नहीं कर पाते, बीच में ही छोड़ के वेबसाइट को चले जाते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट के अंदर दोबारा से लॉगिन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो प्रीवियसली आपने परचेज करने की कोशिश की थी, जो भी प्रोडक्ट्स आपने कार्ट के अंदर ऐड किए थे, वो सभी जो है फिर से दोबारा से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं आपके कार्ट के अंदर, ताकि आप अपनी जो परचेजिंग वाला प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए उसी के रिलेटेड ये वाली आज की हमारी एग्जांपल है। तो ये वाली एग्जांपल जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए ये वाली एग्जांपल जो है हम पार्ट्स में जो है डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको अभी बता दूंगा कितने पार्ट्स हैं इस एग्जांपल के और वन बाय वन डेली जो है एक एक पार्ट जो है अपलोड करता रहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जाम्पल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता दूंगा, उसके बाद में आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो डेवलप कर पाएंगे। तो ये वाली एग्जांपल हमें हमारे बहुत ही एक अच्छे फ्रेंड या ब्रदर कह सकते हो, उन्होंने हमें ईमेल करके ये पूरा प्रोसेस बताया था कि इस तरीके की एग्जांपल्स भी आप लाएं जिसको हम जो है शॉपिंग वेबसाइट के अंदर डेवलप कर पाएँ। तो चलिए उसकी रिक्वेस्ट को देखते हुए और बाकी सभी मेम्बर्स के लिए इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम ये वाली एग्जांपल को जो है डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा आ चुका है हेलो गेस्ट, इसका मीनिंग है कि अभी तक लॉगिन नहीं किया यूज़र ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ चुका है यू हैव ज़ीरो प्रोडक्ट्स इन कार्ट, क्योंकि प्रोडक्ट कोई भी अभी तक कार्ट में ऐड नहीं किया। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बिना लॉगिन के यहाँ पे कोई भी परचेज़ करने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरे पास जो है लॉगिन वाला जो वेब फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। तो लॉगिन वाला वेब फॉर्म हमारा सबसे पहला पार्ट है इस प्रोग्राम का, इस एग्ज़ाम्पल का। तो चलिए यहाँ पर एक डेटाबेस के अंदर जो यूज़र नेम पासवर्ड हमारे पास अवेलेबल है उससे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ हरिति और यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ जो भी मेरे डेटाबेस के टेबल के अंदर सेव्ड है। तो जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे हेलो, उसके बाद में जो भी यूज़र नेम के थ्रू आपने लॉगिन किया होगा वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। हमने सेशन यूज़ किया है अपने यूज़र अकाउंट को जो है सेव करवाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लिखा आ चुका है यू हैव ज़ीरो प्रोडक्ट्स इन कार्ट, इसका मीनिंग है कोई भी प्रोडक्ट अभी तक हरिति यूज़र ने जो है अपने कार्ट के अंदर ऐड नहीं करवाया। तो चलिए एक दो प्रोडक्ट्स को ऐड करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे यूज़र ने सबसे पहले इसको ऐड करवाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी बाईसाइकिल जो है वो आ चुकी है कार्ट के अंदर। यहाँ पे लिखा आ चुका है यू हैव वन प्रोडक्ट इन कार्ट और यहाँ पे क्लिक करने पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी शॉपिंग। एक और प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, कैस्पर्स का सिक्योरिटी जो है एंटीवायरस है उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब लिखा आ चुका है यू हैव टू प्रोडक्ट्स इन कार्ट। तो अब हमारी आज की एग्जांपल की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी आपने डेटा जो ऐड किया है, जो भी प्रोडक्ट्स आपने जो है कार्ट के अंदर ऐड किए हैं वो टेम्प्रेरी हमने एक टेबल के अंदर भी स्टोर करवा के रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमने एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा हुआ है, उसका नेम है हरिति शॉपिंग और इसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट करके रखा हुआ है सेव्ड कार्ट डिटेल। इसको मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरिति ने जो है दो प्रोडक्ट्स को ऐड किया है
और उसका जो प्राइस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वांटिटी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने टेम्प्रेरी इसको स्टोर करवा के रखा हुआ है। इसका स्टोर करने का पर्पस क्या है कि जब भी आप यहाँ पे अगर हरिति जो है यूज़र है वो बिना चेकआउट के यहाँ पे परचेज़ किए बिना साइन आउट कर देता है और यहाँ पे दोबारा से इसको अगर लॉग इन करता है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ। हरिति 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड है, और जैसे ही हम लॉग इन करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दो प्रोडक्ट्स आपने लास्ट टाइम साइन आउट के वक्त चेकआउट नहीं किया था वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कार्ट के अंदर आ चुके हैं। अगर यहाँ पे हम व्यू कार्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों प्रोडक्ट्स जो है परचेज़ के लिए अवेलेबल हैं। तो ये फैसिलिटी जो है पिछले जो वीडियो ट्यूटोरियल थे हमारे पास शॉपिंग वेबसाइट के रिलेटेड उसमें अवेलेबल नहीं थी, मगर अब अवेलेबल है। अब इसके बाद हमने एक फीचर और इस एग्जाम्पल के अंदर ऐड किया है कि आप डायरेक्टली जो है अपने कार्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जैसे ही क्लियर कार्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड पूरा खाली हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पे साइन आउट करके दोबारा से लॉगिन करता हूँ सेम अकाउंट से, तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट कार्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो है अवेलेबल नहीं होगा। तो चलिए इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ट बिल्कुल खाली है। अब दोबारा से दो तीन जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड कर लेते हैं अपने इस कार्ट के अंदर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे एक एंटीवायरस को ऐड कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं दो प्रोडक्ट्स मेरे पास जो है कार्ट के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे चेकआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सपोज मैंने चेकआउट कर दिया है, ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ऑर्डर जो है प्रॉपरली सेव हो चुका है, तब हमने जो है चेकआउट के ऊपर जो भी क्लियर के लिए हम जो कोडिंग करेंगे ताकि प्रोडक्ट आपका जो है क्लियर हो जाए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ एक बार फिर से इसको ओपन करके, तो आप देखेंगे इसमें से भी हमने जो है डेटा को डिलीट कर दिया है। इसको जस्ट हम टेम्परेरी यूज़ करते हैं ताकि अगर प्रोडक्ट को ऐड करके भूल जाता है या यूज़र बीच में वेबसाइट छोड़ देता है तो हम डेटा को यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर करके रखेंगे, और अगर यूज़र जो है अपने कार्ट को क्लियर कर देता है या फिर जो चेकआउट वाली ऑप्शन है वो अप्लाई कर देता है तो हम सारे प्रोडक्ट जितने भी उस पर्टिकुलर यूज़र के होंगे वो इस टेबल में से डिलीट कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो लॉगिन करे तो उसके पुराने प्रोडक्ट्स जो है ऑटोमेटिकली ऐड ना हो पाए उसके कार्ट के अंदर। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पे किसी और यूज़र से लॉगिन करके देख लेते हैं। यूज़र लॉगिन करवाने के लिए यहाँ पे हमने एक अलग से टेबल यूज़ किया है, लॉगिन डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक यूज़र के पर्टिकुलर पासवर्ड है। तो चलिए किसी और अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं। अगर मैं विजय के अकाउंट से लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विजय अकाउंट से जो है लॉगिन हो चुका है। उसके कार्ट के अंदर अभी के लिए कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अगर वो कोई प्रोडक्ट को ऐड कर देता है और बिना यहाँ पे चेकआउट किए जो है साइन आउट कर देता है और नेक्स्ट टाइम फिर से दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करता है अपने अकाउंट से, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पुराना प्रोडक्ट उसने ऐड किया होगा अपने कार्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली कार्ट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसको हमने सेव करवा के रखा है टेम्परेरी अपने टेबल के अंदर। तो यहाँ पे आप व्यू कार्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पुराना प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, और अगर यूज़र यहाँ पे चेकआउट कर देता है सारा कुछ उसका कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे साइन आउट करता है उसके बाद फिर से लॉगिन करता है, तो आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका कार्ट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि उसने ऑलरेडी परचेज जो है कर चुकी है, कर ली है। अब उसका कार्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो है परचेज करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके की फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हमने एक कंप्लीट एक एग्जाम्पल जो है तैयार करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक होम पेज है और उसके बाद में ऐड टू कार्ट वाला एक पेज है, दूसरा पार्ट है इसका, और तीसरा पार्ट जो है लॉग इन लॉग आउट वाला है। तो आज के लिए हम जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो पेज डेवलप करेंगे लॉग इन लॉग आउट वाला। तो चलिए यहाँ पे इसको साइन आउट कर लेते हैं सबसे पहले, और इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फाइल, यहाँ से वेबसाइट,
न्यू, उसके बाद में वेबसाइट। अब आपने जो है इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, उसके बाद में ASP.MT वेबसाइट को सिलेक्ट करना है। अब आपने जो है पूरे प्रोजेक्ट का जो जहाँ पे भी आपका सोर्स कोड सेव होगा उस फोल्डर का जो है पाथ प्रोवाइड करना है सबसे यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो है अपने फोल्डर का नेम लिख देता हूँ, वहाँ यहाँ पे लिख देता हूँ सेव्ड कार्ट प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल। तो चलिए यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर उसका नेम जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट नेम के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, माउस की हेल्प के साथ ऐड करते हैं ऐड न्यू आइटम। अब हम इस डायलॉग बॉक्स में पहले से हमारे पास विजुअल सी शार्प सिलेक्टेड है। अब हमने सेलेक्ट करना है एक ब्लैंक वेब फॉर्म। आप चाहें तो यहाँ पे जो है ब्लैंक वेब फॉर्म का जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन पेज और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मेरा जो ब्लैंक वेब फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और सबसे पहले इसका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो ऑप्शन क्रिएट करनी है आज की एग्जांपल के लिए वो करनी है लॉगिन वाला पेज डेवलप करना सीखना है, और आगे फिर हम होम पेज को डेवलप करना सीखेंगे, उससे आगे जो होगा ऐड टू कार्ट वाला पेज जो है डेवलप करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम जो है लॉगिन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टूल बॉक्स में से एक लेबल को इंसर्ट करते हैं वेब फॉर्म के ऊपर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जैसे मैंने डबल क्लिक किया लेबल कंट्रोल के ऊपर तो लेबल हमारा जो है वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम इसकी जो है चेंजेस करेंगे, तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी हम चेंज करेंगे वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली जो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिनमें हमने काफ़ी अच्छे मेथड्स जो है बताए होते हैं डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट्स को, और हम जो है सारा काम जो है लाइव एग्जांपल के थ्रू करते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में हम आपको सारा सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको पहली बार प्रोजेक्ट को डेवलप करने में दिक्कत ना आए, और इन केस कोई प्रॉब्लम आपको आती भी है तो आप अपनी प्रॉब्लम जो है हमारे साथ शेयर कर पाएंगे, ताकि हम उसका जो प्रॉब्लम का मेन सोल्यूशन है वो आप तक पहुंचा पाए। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है जो घूम रहा है जिसको आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आइडिया भी हमारे साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम उस आइडिया को एज ए वीडियो ट्यूटोरियल इंप्लीमेंट करके अपने चैनल के ऊपर आपके लिए और बाकी सभी मेम्बर्स के लिए अपलोड कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पर एक और लेबल को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आज के प्रोजेक्ट का जो हैडिंग है वो लिख देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लिए हम वेब फॉर्म का जो हेडिंग है वो लिख देते हैं लॉग इन लॉग्ड इन टू शॉपिंग वेबसाइट यूजिंग ASP.NET और C#। तो चलिए यहां से इसका जो फॉर कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करेंगे। जो टेबल की नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी वो होंगी 3, जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे वो होंगे 2। तो चलिए ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक वेब फॉर्म जो है एक टेबल जो है हमारा वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। अब हमने यहाँ पे जो है यूज़र नेम लिखना है, तो चलिए यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ। अब हमने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, तो यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है, तो चलिए टेक्स्ट बॉक्स को डबल क्लिक करके ऐड कर देते हैं इस वेब फॉर्म के ऊपर। अब आप चाहें तो इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है एक बटन को यूज़ करना है ताकि हम यूज़र को लॉगिन वाली ऑप्शन प्रोवाइड कर सकें। तो इस बटन की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम लिखेंगे लॉगिन। तो चलिए अब आप चाहें तो इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे।
तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। अब हम इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। अब हमने इस टेबल को सिलेक्ट रहने देना है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर प्रॉपर्टी, इसके अंदर 1 लिख के एंटर कर दें, जिससे इसकी जो बॉर्डर लाइन्स हैं वो ठीक हो जाएँ और देखने में ये वेब फॉर्म है वो अच्छा लगे। तो चलिए लॉग इन के बाद अगर इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड है आता है तो यूज़र गलत यूज़र नेम या पासवर्ड जो है एंटर कर देता है, तो उस केस में जो मैसेज डिस्प्ले होगा उसके लिए हम एक अलग से लेबल यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे लेबल मैंने ऐड कर दिया है और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी के लिए हम जो है ब्लैंक कर देते हैं। बाद में कोडिंग के थ्रू जो है इसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो वेब पेज ओपन होगा उसको हम ऐड करवा देते हैं, मगर इसकी जो डेवलपमेंट है होम पेज की वो बाद में करेंगे, क्योंकि इससे जो है जो हमारा टाइमिंग है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए पार्ट्स में इस एग्जांपल को हम डेवलप करेंगे। सेकंड पार्ट जो हमारा होगा वो होम पेज का होगा, तो इसको भी मैं होम पेज को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टेम्परेरी लिख देता हूँ। एक लेबल इंसर्ट करते हैं और उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट का जो हैडिंग है वो लिख देते हैं। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सिंपली जो है वेलकम कर देते हैं, वेलकम, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये वाला होम पेज जो होगा ये हम बाद में डेवलप करेंगे, सबसे पहले हमने जो है लॉगिन वाला वेब फॉर्म जो है वो तैयार करना है। तो चलिए यहाँ पे जो अब हमने कोडिंग करनी है, कोडिंग करने से पहले मैं आपको डेटाबेस के अंदर जो टेबल हमने यूज़ किया है लॉगिन करवाने के लिए उसका एक बार आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं एग्जिट करके दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं अपना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि डेटाबेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो अगर आप एसक्यूएल सर्वर के साथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू काम करना चाहते हैं तो आपके लिए जो मैनेजमेंट स्टूडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इससे आप जो है टेबल को आसानी से क्रिएट कर पाएंगे, डेटाबेस को बड़े ईजी वे के साथ हैंडल कर पाएंगे, जितने भी ऑपरेशंस हैं डेटाबेस के वो काफ़ी ईजी होंगे। तो चलिए आपने अपने पीसी और लैपटॉप के ऊपर जो मैनेजमेंट स्टूडियो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सर्वर का नेम जो है वो लिखा आ चुका है। तो चलिए इसके साथ कनेक्ट करते हैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू। तो अब आप देख सकते हैं डेटाबेस के जो एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। डेटाबेसिस के अंदर जो डेटाबेस आज की एग्जांपल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है हरिति शॉपिंग, और इसके अंदर जो टेबल मैंने यूज़ किया है वो है लॉगिन डिटेल। तो लॉगिन डिटेल का एक बार डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। डिज़ाइन काफ़ी इजी है, दो कॉलम मैंने यूज़ किए हैं, एक है यूज़र नेम और एक है पासवर्ड, दोनों वॉर कैर टाइप के हैं। तो चलिए इस तरीके का जो लॉगिन वाला टेबल है वो आपने क्रिएट कर लेना है और इसके अंदर जितने भी यूज़र अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हैं वो उनका डेटा जो है आप एंटर कर सकते हैं। तो मैंने तीन जो यूज़र नेम्स हैं वो एंटर कर रखे हैं, उनके पर्टिकुलर जो पासवर्ड हैं वो सामने लिखे हुए हैं। तो चलिए इस तरीके का टेबल और डेटाबेस आपने क्रिएट कर लेना है एसक्यूएल सर्वर के अंदर मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू। तो अब हम जो है कोडिंग की तरफ जाएंगे, तो कोडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे जो कोडिंग है वो मैंने ऑलरेडी कर रखी है। इस कोडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करूँगा। तो ये कोडिंग मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। पहली बार डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे इसको समझ के जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है मॉडिफाई करके इसको यूज़ कीजिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कोडिंग काफ़ी इजी मैंने की हुई है। सबसे पहले इन दो नेम स्पेसिस को यूज़ करना है। लॉगिन बटन के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। अब आपने यहाँ पे इन दोनों नेम स्पेसिस को डिक्लेयर करना है जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लॉगिन बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस टाइम पे ये वाली कोडिंग को आपने कॉपी करके यहाँ पे बटन के ऊपर डबल क्लिक करना है, लॉगिन वाले बटन के ऊपर, और यहाँ पे हमने जो है कोडिंग को जो है कॉपी पेस्ट करना है, कोडिंग को यूज़ करना है। यहाँ पे कोडिंग काफ़ी ईजी है। यहाँ पे मैंने अपने सर्वर का नेम यूज़ किया है, यहाँ पे हमने डेटाबेस का नेम यूज़ किया है, यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन यूज़ किया है। तो अगर आपको एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर डेटा सेट के बारे में नहीं पता
तो काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो हम ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं कि कैसे एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटा को ऐड करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को सर्च करते हैं। तो वो वाले सभी टॉपिक्स के अंदर जो है ये क्लासेस यूज़ होती हैं, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डेटा अडैप्टर और डेटा सेट। तो वो अगर आपने वीडियो ट्यूटोरियल्स हमारे नहीं देखे तो वो पहले आप ज़रूर एक बार फॉलो कर लें। तो चलिए, यहाँ पे हमने टेबल का नेम यूज़ किया है और उसका जो डेटा रिट्रीव किया है उसका यूज़र नेम किसके इक्वल होगा, जो भी यूज़र नेम हम टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर एंटर करेंगे। तो डेटा सेट को फिल करवाने के बाद हमने उसके नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो है वो काउंट करवाने हैं। अगर तो वो 0 से ज़्यादा है तो हम जो है यूज़र नेम को एक वेरिएबल में सेव करवाएंगे, पासवर्ड को भी टेबल के डेटा टेबल के कॉलम में से रिट्रीव करने के बाद सेव करवाएंगे, फिर उसको मैच करवाएंगे। जो भी यूज़र ने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया होगा जो डेटाबेस से रिट्रीव होगा उसके साथ मैचिंग करवाने के बाद अगर तो मैच हो जाता है प्रॉपरली दोनों चीज़ें, तो एक सेशन क्रिएट करेंगे, यूज़र नेम एक वेरिएबल सेव करवाएंगे, उसमें यूज़र नेम और एक बाय आइटम्स नाम का एक काट होगा टेम्प्रेरी मेमोरी के अंदर, उसको नल करेंगे। और उसके बाद में एक यूज़र डिफाइंड मेथड होगा फिल सेव्ड काट। तो ये इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम अगर यूज़र ने लास्ट टाइम जो है लॉगिन करने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट अपने कार्ट के अंदर ऐड किया होगा और उसके बाद में चेकआउट किए बिना उसने साइन आउट कर दिया होगा, तो वो सारा कार्ट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट लास्ट लॉगिन टाइम पे उसने ऐड किए होंगे वो सारे रिट्रीव होके आपके कार्ट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। और इसको रीडायरेक्ट करेंगे होम पेज की तरफ। तो होम पेज अभी हमने डेवलप नहीं करे किया, एक सिंपल सा वेब फॉर्म भी यूज़ किया ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें होम पेज को कैसे डेवलप करना है वो हम बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पे अगर यूज़र नेम पासवर्ड इनवैलिड होता है तो उसके इसमें ये वार्निंग या एरर मैसेज आएगा, और अगर यूज़र नेम ही इनवैलिड है तो उस केस में भी ये वाला जो है मैसेज आपके पास जो है लेबल 3 के अंदर डिस्प्ले होगा। अब हमने जो है कार्ट को फिल करवाने के लिए एक यूज़र डिफाइंड मेथड यूज़ किया है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और इसको जो है आपने यहाँ पे जो है जैसे ही आपका बटन क्लिक इवेंट का जो मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हमने इसको पेस्ट करना है। तो इसमें करना क्या है, हमने एक डेटा टेबल जो है टेम्प्रेरी यूज़ किया है उसके अंदर एक कॉलम ऐड करवाए हैं, फिर हमने जो है अपने टेबल के साथ कनेक्टिविटी करवानी है, डेटाबेस के एक ऐसे टेबल के साथ कनेक्टिविटी करवानी है जिस टेबल से जो है प्रीवियस जो है जितने भी प्रोडक्ट यूज़र ने लॉगिन करने के बाद ऐड किए होंगे कार्ट के अंदर वो सारे रिट्रीव होंगे। तो मैं एक बार आपको टेबल दिखा देता हूँ किस तरीके का टेबल है। तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करते हैं, एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब हमने जो है डेटाबेसिस के अंदर जो डेटाबेस आज के एग्जांपल के लिए यूज़ किया है उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे डेटाबेस का नेम था शॉपिंग, हरिति शॉपिंग, और जो टेम्परेरी स्टोर करने के लिए प्रोडक्ट्स को कार्ट के जो सेव किए होंगे उनको सेव करवाने के लिए हमने जो टेबल यूज़ किया है उसका नेम है सेव्ड कार्ट डिटेल। और इसका जो डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, डिज़ाइन काफ़ी आपका जो मैच करता है आपके कार्ट के जो कॉलम्स हैं उनसे, जो ग्रिड व्यू के अंदर कॉलम्स यूज़ करेंगे उससे जो काफ़ी मैच करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर सेव करवाया है, प्रोडक्ट आईडी सेव करवाया है, प्रोडक्ट की इमेज सेव करवाई है, प्रोडक्ट की इमेज जो है वो सारी इमेजेस जो है हमने लिंक की तरह यहाँ पे सेव करवाई होंगी, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल प्राइस, यूज़र नेम और प्रोडक्ट का नेम। तो चलिए, इस तरीके का जो टेबल है आपने क्रिएट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो डेटा है वो पूरी तरह से यहाँ पे एक यूज़र का डेटा जो है ऐड करवाया होगा यूज़र ने, विजय ने, जो प्रोडक्ट उसका जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है कार्ट का। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही यूज़र जो है विजय लॉगिन करेगा अपने वेब पेज अपनी वेबसाइट के अंदर, शॉपिंग वेबसाइट के अंदर, तो उसका कार्ट जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा इस प्रोडक्ट की डिटेल के साथ। तो इस तरीके का जो कार्ट को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए टेबल है वो आपने क्रिएट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं वीडियो को पॉज करके तो इसको नोट डाउन जो है कर सकते हैं। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है हमारी आज की एग्जांपल का। तो चलिए, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब जो मेथड हमने यूज़ किया है फिल सेव्ड कार्ट,
तो उसमें हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वर का नेम यूज़ किया है, यहाँ पे हमने डेटाबेस का नेम यूज़ किया है, यहाँ पे हमने सेव्ड कार्ड डिटेल नाम का जो टेबल है उससे सारा डेटा जो है रिट्रीव किया है पर्टिकुलर यूज़र का, जो भी हम सेशन के अंदर हमने सेव करवाया है, जिस यूज़र नेम से हमने लॉगिन किया है उसी का सारा डेटा जो है रिट्रीव होगा। तो उसी तरीके से डेटा सेट को फिल करवाया है, एसक्यूएल कनेक्शन यूज़ किया है, एसक्यूएल कमांड यूज़ की है, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर यूज़ किया है, डेटा सेट से उसको डेटा सेट को फिल किया है डेटा अडेप्टर के थ्रू, फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है काउंट करवाए हैं कितने रिट्रीव हुए हैं, फिर हमने एक लूप चलाई है और हर एक जो डेटा रिट्रीव हुआ है उस रो को रो बाय रो जो है हम टेम्प्रेरी जो डेटा टेबल है उसके अंदर ऐड करते जाएंगे, डेटा को रिट्रीव करते जाएंगे, डेटा को ऐड करते जाएंगे, और लास्ट में अगर तो वो वाला जो बाय आइटम है एक सेशन का वेरिएबल होगा उसके अंदर उसको सेव करवा देंगे। इन केस यूज़र का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है टेबल के अंदर, जो प्रीवियसली उसने कार्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को ऐड नहीं किया, तो उस केस में जो सेशन के अंदर बाय आइटम नाम का कार्ट वाला वेरिएबल होगा वो नल होगा। अगर तो डेटा अवेलेबल है तो हम उस डेटा टेबल को जो है सेव करवाएंगे उस सेशन वेरिएबल के अंदर और बाद में इसको यूज़ करेंगे अपने ग्रिड व्यू कंट्रोल को फिल करवाने के लिए। तो चलिए उसके बाद हमने जो है इसको रीडायरेक्ट कर देना है यहाँ पे होम पेज की तरफ। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं क्योंकि हमारा पहला पार्ट जो है उसका डिज़ाइन भी हो चुका है कंप्लीट, उसकी कोडिंग भी हो चुकी है जो है लॉगिन वाला पेज। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट हमारा जो है रन हो चुका है। तो यहाँ पे एक इनवैलिड जो यूज़र नेम है वो एंटर करके देख लेते हैं हरीश, यहाँ पे एक इनवैलिड पासवर्ड देके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड जो है डायरेक्टली हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो उसको इस बग को रिमूव करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका नेम है टेक्स्ट मोड, तो उसमें से हम पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको अब हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं हरीश, और जैसे ही हम पासवर्ड यहाँ पे कोई लिखेंगे वो डॉट डॉट में नज़र आएगा, और जैसे ही मैं इनवैलिड यूज़र नेम के साथ जो है लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लिखा आ चुका है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। और यहाँ पे अगर मैं एक करेक्ट यूज़र नेम के साथ जो है लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिति, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद मेरा जो होम पेज है वो ओपन हो चुका है। इसका मीनिंग है कि प्रॉपरली जो है हमने लॉगिन कर लिया है, अपने जो है सेशन एक क्रिएट कर लिया है यूज़र के पर्टिकुलर। अब हम जो ये वाला होम पेज वाला जो डेवलपमेंट वाला पेज है हम बाद में देखेंगे किस तरीके से डेवलप करना है। तो आज का हमारा ये मोटिव यही था कि हमने किस तरीके से जो है अपना जो है लॉगिन वाला वेब पेज जो है वो डिज़ाइन करना है ताकि हम यूज़र को जो है लॉग्ड इन करवा सकें शॉपिंग वेबसाइट के अंदर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है, आप जान पाए हैं कि कैसे आपने लॉगिन करवाना है, ये हमारी जो शॉपिंग वाली ये वाली एग्जांपल है इसका पार्ट 1 है। हम उसके बाद में पार्ट 2 भी डेवलप करेंगे, पार्ट 3 भी डेवलप करेंगे, तीनों पार्ट 1 बाय 1 डे बाय डे हम अपलोड करेंगे। तो ये पहला पार्ट था, अगर इसके बारे में आपको नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट पार्ट हम कितनी जल्दी जो है वेब अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो को किसी फ्रेंड या स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू शेयर कर दें। इसी तरीके से अपना प्यार जो हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए, अपने जो आइडियाज़ हैं हमें सेंड करते रहिए। इसी तरीके से हम जो है वीडियो ट्यूटोरियल अपने चैनल के ऊपर आपके लिए जो अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।